अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा आज जो है वो नया मेगा स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आज मेरी छुट्टी का भी दिन था स्कूल का, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक स्पेशल नाश्ता बनाया जाए। तो आज मैंने बच्चों के लिए जो है वो पराठे बना रही हूँ, और उसके साथ जो है वो अंडा आलू का जो है वो ऑमलेट बनाऊँगी। तो आपको मैं जब बनाने लगूँगी तो आपको सारी इसकी रेसिपीज और सब चीज़ें आपको दिखाऊँगी। मैंने आपको बताया जैसे कि मैं आज जो है मेरा वीकेंड है, तो मैं बच्चों के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तो अभी जो है मैं पराठे बनाऊँगी, और उसके साथ ही जो है वो मैं आलू और अंडे का जो है वो मिला के ऑमलेट बनाऊँगी। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे लाइक पोटैटो है, एग है, टमाटो है, चिलीज़ है और ओनियन है, इन सब चीज़ों के साथ मिला के मैं जो है वो ऑमलेट बना रही हूँ। मैं इसमें 2 स्पून जो है वो ऑयल डाल रही हूँ, 2 से 3 स्पून जो है उसमें ऑयल डालेंगे, देन ऑनियन ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जो है वो ऑनियन ऐड कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो है इसको ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। ऑनियन जो है प्याज को हम जो है वो ब्राउन होने तक फ्राई जो है वो फ्राई करेंगे। अब हम जो है पीला बना चुके हैं, अब हम रोटी को थोड़ा सा बेल दें, फिर इसमें हम ऑयल करेंगे। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और साथ में जो है इसमें थोड़ा सा नमक भी ऊपर से स्प्रेड आउट करेंगे। थोड़ा सा नमक स्प्रेड दिया हमने, अब इसको हम रोल कर रहे हैं। रोल करने के बाद बस अगेन सर्कल में हम इसको रोल करेंगे, इसमें सूखा आटा लगा के इसको दोबारा से बेल लें, और साथ साथ हमारा जो है वो ऑमलेट की प्याज जो है वो भी जो है वो ब्राउन हो रही है। ओके, इसको भी हम देखते हैं साथ साथ। ये हमारा पराठा तकरीबन हमने पूरा बेल लिया, हम तवे पे डालते हैं। साथ में हम अपने जो है वो अंडा तो हमने डाला था, उसकी जो है प्याज भी चेक कर लेते हैं, ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम जो है वो टमाटर और हरी मिर्च है वो ऐड कर रहे हैं। ये भी थोड़ा से टमाटर नरम हो जाए तो फिर हम इसमें पोटैटो आलू ऐड करेंगे। टर्न कर रहे हैं पराठे को दूसरी साइड पे, और साथ में हम थोड़ा सा उसमें ऑयल भी जो है ऐड कर रहे हैं, ऑयल जो है लगा रहे हैं पराठे में। इसको हम टर्न कर देते हैं, दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगा देते हैं। पराठा हमारा जो है पराठा पूरा हमारा सेट है, और हम से उतार लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये पराठा जो है वो पसंद आया होगा। हमारे टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं, अब इसमें जो है हम आलू ऐड करेंगे। इसमें मैंने पोटैटो जो है वो ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब हम एग ऐड करते हैं तो इसमें फिर ये अच्छे से जो है नज़र आ जाता है। अब इसमें अंदाजे से जो है वो नमक डाल रहे हैं, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, और साथ में थोड़ी सी इसे लाल मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। हम मिक्स करेंगे अच्छे से,
उसको हम जो है वो मिक्स करने के बाद हम ये आँच पे जो है ढक के जो है वो अब हम इसमें दो एग पोर करेंगे। मिक्स कर देंगे हम लोग अच्छे से। थोड़ा सा हम जो है एक चुटकी जो है वह नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट देंगे। अंडा मिक्स करा था वो हम इसमें अच्छे से जो है वो डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा होने के बाद में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे आलू और अंडे को अच्छे से मिक्स कर दें और फिर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ये अंडा हमारा पक जाए। मिक्स कर देते हैं, मिक्स बनाया था इसे से मिक्स कर देंगे, पलट देते हैं अंडे की तह को। तकरीबन ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। ये हम डिश आउट कर रहे हैं। ग्रीन चिली ऊपर से डाल, तो ये हमारा अंडा और आलू ऑमलेट जो है वो तैयार हो गया। वैसे ये मेरा अंडा ऑमलेट आपको जो है वो इंशाल्लाह पसंद आएगा कि इस तरीके से मैंने तैयार किया। आप ज़रूर इसके को घर पे अपने ट्राई करिएगा और आप बना के टेस्ट करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा नाश्ता आज का जो है तैयार हो गया फ्राइडे का, और इसमें मैंने पराठा बनाया है और अंडे आलू का ऑमलेट बनाया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये नाश्ता पसंद आएगा।